आज हम लोग पढ़ेंगे हिपरसल्फर। हिपरसल्फर क्या है? कैल्किया कार्प का सिम्टम और सल्फर का सिम्टम, दोनों को अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। कैल्किया कार्प मीन्स एस्टर्स एंड सल्फर पाउडर, ठीक है। ओरिजिनल प्रूविंग कहां से आया है? बुक फ्रॉम बैक्टीरिया मेडिका प्यूरा एंड क्रॉनिक डिजीजेस बाय डॉक्टर हनमैन। How it is prepared? Because it is minerals, generally titration, equal part of the middle layer of the oyster shell and pure sulfur flowers having been crushed together in the crude forms according to Hellman directions. Constitution kaisa hoga? For torpid lymphatic constitutions, persons with light hair and complexion, slow to act, मसल सॉफ्ट एंड फ्लेबी। क्या होता है जो हमेशा सर्दी खांसी वाले कफ वाले प्रकृति वाले और बहुत सुस्त रहेंगे वो। और थोड़ा सा भी काम करने से मसल सब ढीली हो जाती है, पिलपिली टाइप की हो जाती है। मेंटल ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली, द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट्स हिम, क्विक हैस्टी स्पीच एंड हैस्टी ड्रिंकिंग। पानी भी पीना बहुत हड़बड़ा के पीना, बात भी करेगा बहुत हड़बड़ा के करेगा, समझ में आया? इसका पहचानने का ये तरीका, बहुत सेंसिटिव, थोड़ी सी मैं वो चिल्ला लेना। इसका मेंटल पेशेंट कैसा रहेगा? मेंटल जनरल पेशेंट इज वेरी पीवीस, एंग्री एट द लिस्ट ट्रिपल हाइपोकॉन्ड्रिया अनरीजनेबली एंग्जियस, बिना कारण का वो परेशान होता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, बिना कारण का वो अननेसेसरी वो गुस्सा हो जाना, परेशान रहता है, अपने आप में ही परेशान रहता है बिना कारण का। डिजीज वेयर द सिस्टम हैज बीन इंजर्ड बाय द एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, ऐसे जहां मर्क्यूरी का जनरली पेंटर रंग वंग में जब मर्क्यूरी बहुत यूज होता है तो उस टाइप का बहुत ज्यादा यूज, अगर पेंटर है ये है उसके बाद में अगर बीमारी हुआ तो इसे यूज करना चाहिए। फिजिकल जेंडर एक्सटर्नल सेंसिटिव कोल्ड एयर, इमेजिंस ही कैन फील द एयर इन द डोर इन ओपन इन द नेक्स्ट रूम, मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन अ हॉट वेदर, सोरिनम इज ऑल्सो कैनॉट बियर टू बी अनकवर्ड, इंडक्सोमिका कैनॉट बियर टू बी कवर्ड, कैम्फर एंड सिकरी कॉल टैक कोल्ड्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट पीरियड टू द फेस। उसको सबसे बड़ा जो खिड़की थोड़ी सी खुली भी रहेगी ना तो उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा हवा डायरेक्ट मेरे तरफ आ रहा है, उसको पहले खिड़की बंद करेगा, बहुत सेंसिटिव टू एयर, ठंडी हवा से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स है, स्वीट्स प्रोफेसली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ, परस्पिरेशन सावर ऑफेंसिव इजली ऑन एवरी मेंटल एंड फिजिकल सिस्टम। यहां पर क्या होता है, जहां स्वीटिंग आता है हम लोग नेक्टामीर और साइनसी की तरफ बहक जाते हैं। ऐसा नहीं है, हिपरसल्फर इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर प्रेस्पिरेशन, इसकी पसीना बहुत ज्यादा होगा, बहुत ऑफेंसिव होगा और थोड़ा सा भी परिश्रम करते ही उसको पसीना आने लग जाएगा, तो हमें हिपरसल्फर के ऊपर में सोचना चाहिए। इसका पसीना बहुत खट्टा और गंद रहेगा, ऑर्डर रहेगा, ऑफेंसिव ऑर्डर रहेगा। आई बॉल सॉट टू टच पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इन टू द हेड, आंखों में ऐसा दर्द छूने से मालूम पड़ेगा मेरा आंख पूरा अंदर की ओर घुस गया है। सेंसेशन वुड बी पुल्ड बैक इनटू हेड, सिर के पीछे तरफ में खींचा जा रहा है। फेस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हिपरसल्फर का, पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है। मिडिल ऑफ द लोअर लिप्स क्रैक्ड, मिडिल ऑफ द लोअर लिप्स, लोअर लिप्स नॉट द अपर लिप्स, लोअर लिप्स क्रैक इन द मिडिल, मिडिल में अगर क्रैक है देन वी थिंक दिस इज द हिपरसल्फर एंड अदर मेडिसिन्स आर आल्सो देयर, एमोन कार एंड नेट्रम्यूर आल्सो क्रैक इन द सेंटर, बट कॉन्डोरांगो साइड, दिस इज द कॉन्डोरांगो, ठीक है, कॉन्डोरांगो का साइड से हिपरसल्फर का मिडिल लोअर लिप्स मिडिल
जनरली क्या होता है, क्रेक होने से आर्सेनिक पार्सेनिक सोचने लग जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हिपर सल्फर इज द वन ऑफ द मेडिसिन फॉर द लोअर लिप क्रैक्ड और साइड का क्रैक कोंडोडर्मो। ठीक है, अब हिपर सल्फर पहचान सकते हो ना, थ्रॉट सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर फिश बोन और प्लग इन दिस थ्रॉट क्विंसी व्हेन द सेपरेशन ऑफ द थिएटर क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विद द हार्डनेस ऑफ द हियरिंग। कान से सुनाई भी बहुत कम देता है और टॉन्सिलाइटिस रहेगा, टॉन्सिलाइटिस क्विंसी एकदम पूरा बड़े बड़े रहेंगे, पकने के कगार पर रहेंगे, पस फॉर्मेशन जैसे होते रहेगा। तो जनरली क्विंसी टॉन्सिल में हम लोग हेपेटोलेका नाइट्रिक एसिड ये सब की ओर सोचते रहते हैं, लेकिन हिपर सल्फर इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर दैट वन। हिपर सल्फर की सिम्टम सेंसिटिव टू एयर होना चाहिए और बार बार उसको ठंडा हवा लगने से टॉन्सिल हो जाती है, देन यू ऑल्सो थिंक द हिपर सल्फर। गैस्ट्रिक कैसा होगा, डायरिया ऑफ द चिल्ड्रन विद सावर स्मेल, खट्टा बास आना, दे कलकिले काल पे पूरे लग चढ़े, कलकिल बास आना और मिट्टी के कलर का स्टूल होना, खट्टा गंध आना, रिमेक्स भी है और मिट्टी के रंग का दस्त होना। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फ्लो इंपेडेंट वॉइनर स्लोली विदाउट फोर्स ड्रॉप वेंट्रिकल या लोकलाइज वेट अवाइल बिफोर द पासेस ब्लैडर विच इज अनेबल टू फिनिश सेम सर्जी सम यूरिन इज ऑलवेज रिमेन्स देयर। एल्यूमिना एंड सैलिशिया भी है, लेकिन हिपर सल्फर का महत्वपूर्ण सिम्टम है पिशाब करने के पहले उसको पिशाब में रुकावट आती है, पिशाब करने के बाद में भी उसको बार बार मालूम पड़ेगा पूरा निकला नहीं है और कंप्लीट यूरिनेशन वह नहीं कर पाता है, समथिंग रिमेन्स देयर, उससे मालूम पड़ेगा सत्व रह गया और उसको बार बार पिशाब करने का चेष्टा करता है। इस समय यूरिन में कॉस्टिकम के साथ में तुलना किया जा सकता है। कफ, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, कोई से पार्ट अगर अनकवर है तो उसे खांसी आएगा। स्ट्रैंगलिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड द लैंड विंड, मतलब थोड़ा सा भी हवा से आ रही है तो उसे खांसी आएगा, लेकिन एकोनाइट भी है, एकोनाइट में बेचैनी रहेगा बहुत ज्यादा, हिपर सल्फर में बेचैनी नहीं रहेगी। आजमा, ब्रीदिंग एनशियस, व्हीजिंग, रेटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीदिंग, थेटलेस सपोजिशन मस्ट बी बेंड हेड बैक एंड सिट अप टेंसर आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। सप्रेस्ड इरप्शन के बाद में अगर आजमा हुआ है देन यू थिंक दिस मेडिसिन, जिसका आजमा का अटैक बेंडिंग बैक में रिलीफ मिलेगा, बेंडिंग बैक आर्सेनिक सामने को झुक जाता है उससे। ठीक है, इसका आजमा पेशेंट समझ में आया, तो क्रूप बहुत जोर से खांसी, भयानक खांसी, अब तो एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, डीप रफ बार्किंग कफ विद हॉर्सनेस एंड रैटलिंग इन द म्यूकस, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक बिफोर मिडनाइट के बिफोर और या सवेरे, खांसी इसका मिडनाइट के बिफोर, मिडनाइट आफ्टर आर्सेनिक, मॉर्निंग हिपर सल्फर, तो मॉर्निंग में आएगा और 7-8 बजे रात में, मैंने मिडनाइट के पहले खांसी आएगा। स्किन, कोई भी थोड़ा सा भी चोट लग जाने के बाद में उसका पक जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ा सा भी लगने के बाद वो पस फॉर्मेशन हो जाता है। In diseases where the suppression seems to be inevitable, hyper may be open the abscess and hasten the cure. कोई भी फोड़ा पुंछी बॉयल्स अगर है उसको पस फॉर्मेशन करके ये निकाल बाहर कर देता है और उसको क्योर कर देता है। The skin is very sensitive to touch, cannot bear even close to the right chubbin. स्किन इतना सेंसिटिव रहता है उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा भी कुछ भी उसके ऊपर कवरिंग वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेगिसिस भी है सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट कैन बियर हार्ड प्रेशर, अगर बियर करता है ओनली चाइना। स्किन अफेक्शन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफन कॉजिंग द फेंटिंग,
स्किन इतना छूने से उसको इतना दर्द होता है, थोड़ा सा अगर दबा दो तो वो बेहोश भी हो जाता है, इतना सेंसिटिव टू टच रहता है। स्किन ये अल्सर एंड हर्पीस के लिए भी है मेडिसिन। अल्सर एंड हर्पीस सराउंडेड बाय द लिटिल पिंपल्स और पुस्टुल्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पॉलिशिंग, मतलब पास पास उसके रहेंगे इसकी जितने भी इरप्शंस हैं। हर्पीस छोटे छोटे दानों या फुंसियों से घिरे रहते हैं और आपस में जुड़ के रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे। देन यू थिंक द हिपोसल्फर हर्पीस। मोडालिटीज, एग्रावेशन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, एग्रावेशन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कालिकार वेयर आयोडियम आल्सो देयर, कोल्ड एयर अनकवरिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, टचिंग अफेक्टेड पार्ट, एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, एमिनेशन वार्मथ इन जनरल, रैपिंग अप वार्मली उसको अच्छा से कवर कर देते हैं, स्पेशली दी हेड, हेड को पूरा मतलब पूरा केजरीवाल जैसा। इन द डैम्प वेट वेदर, ओके, कॉम्प्लीमेंटेड टू कैलेंडुला इन इंजुरीज ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, हीपर एंटीडोट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड अदर मेटल्स, आयोडीन आयोडीन ऑफ पोटाश, वुड ओवर लिवर वाइल रेंडर स्पेशल प्लेस susceptible to atmospheric changes and the cold air. Compare the psoriatic skin affection of sulfur are dry, itching, aggravation by scratching and not sensitive to touch, while in hyper the skin is unhealthy, suppurating, moist and extremely or sensitive to touch. Hyper sulfur mein bahut zor sensitive to touch rahega, sulfur mein sensitive to touch nahi rahega, theek hai। Ab isko dhyan se एक एक क्वेश्चन को समझो की कोशिश करेंगे। हाउ इज हिपर इट प्रिपेयर्ड? प्रिपेयर टाइट्रेशन इक्वल पार्ट ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द इस्टर सेल एंड द प्योर सल्फर फ्लावर्स हैविंग बीन क्लासिफाइड टुगेदर इन ए क्रूडेबल लिक्विड हैंड में, जो इसके पहले मैं बता चुका हूं। गिव द जनरल एक्शन ऑफ हिपर, इट प्रोड्यूस एन ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड कॉजिंग इनटॉलरेंस ऑफ द पेन, लो स्पीच एक्सेट्रा। ये क्या करता है, बहुत हैवी सेंसिटिव न्यूरो सिस्टम में के द्वारा किया जाता है, जिससे कि वह छूने से इवन टच करने से भी वो ज्यादा चिल्लाता है, तो न्यूरो सिस्टम बहुत सेंसिटिव रहता है। गिव द फाइव कैरेक्टर्स ऑफ द हिपर, पांच तो कैरेक्टर सिम्टम्स अपने को बताना है। क्या है पहला, सपुरेटिव प्रोसेस, बोलते जाओ तब याद रहेगा। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ओवर सेंसिटिव टू न्यूरो सिस्टम, क्रेविंग फॉर स्ट्रॉन्ग थिंग्स एसिडिक एटसेट्रा, मतलब खट्टा गुपचुप हुआ खट्टा खट्टा चीज खाने के इसको बहुत ज्यादा पसंद रहेगा। फाइव नंबर, अनहेल्दी स्किन, इवन लिटिल एवरी लिटिल रूट सरफेस, थोड़ा सा भी घाव परस्पिरेशन हो जाना, ठीक है याद रहेगा, इससे आपको हिपर सल्फर पहचानने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। व्हाट आर द हेड सिम्टम ऑफ द हिपर, सिर का क्या सिम्टम्स रहेगा? हेडेक इज नेम वेयर बीइंग ड्रिवन इनटू द राइट साइड ऑफ द हेड, ऑफेंसिव इरप्शन ऑन द स्कल्प विद नॉन एक्सप्रेसिंग डिस्चार्जेस एंड ग्रे टेंडरनेस, सिर में दर्द खीरा मारने की तरफ दर्द जैसे होगा, और जनरली क्या होता है राइट साइड होता है और बहुत सेंसिटिव रहेगा और छूने नहीं देगा अपने सिर को। सेकंड, व्हाट अदर ड्रग्स हैव बीन हेडेक एज इफ ए नेल वेयर बीइंग ड्राइवन इनटू द हेड, दूसरा कौन सी दवाई है जो खीला मारते हुए हेड में रहेगा? तो वो है इग्नेशिया एज इफ ड्राइवन इनटू टॉप ऑफ द हेड, थूजा एज इफ ड्राइवन इनटू द फ्रंटल एविडेंस, पूजा सामने के ऊपर, इग्नेशिया टॉप ऑफ दी हेड, ठीक है। व्हाट आर द आई सिम्टम ऑफ द हिपर, प्रुरेंट अफेक्शन ऑफ अबाउट द आईज, हाइपोनिन एक्सेट्रा, वर्स फ्रॉम द कोल्ड एप्लीकेशन, आई भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा और थोड़ा सा भी ठंडा से उसको तकलीफ हो जाएगा। What are the throat symptoms of the hipper?
जैसे इसके पहले मैंने बताया था, शार्प स्प्लिंटर लाइक पेन्स इन द थ्रॉट और सेंसेशन इज देयर वेयर ए लंप इन द थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस विद टेंडेंसी टू सपरेशन। टॉन्सिल पस फॉर्मेशन की कगार पर रहता है और उसको गला में मालूम पड़े कुछ लटका हुआ है, ठीक है, और मालूम पड़े गला में कोई लंप टाइप का अंदर में है। व्हाट अदर ड्रग्स हैव स्टिकिंग पेन इन द थ्रॉट, स्टिकिंग पेन ऑन द थ्रॉट, देयर इज टू ड्रग्स, दैट इज अर्जेंट नाइट्रिकम एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हो। गिव टू अदर ड्रग्स हैविंग ए पिकुलियर थ्रॉट प्रॉब्लम, क्या होगा, मेट्रोम्यूल सेंसेशन ऑफ ए हेयर इन द थ्रॉट, सेंसेशन ऑफ हेयर इन द थ्रॉट इज मेट्रोम्यूल वेलिराना सेंसेशन एज इफ स्टिंग हैंगिंग अराउंड द इनटू थन, मान वेलिराना में क्या होगा, कोई अंदर में लटक रहा है अंदर में। व्हाट आर द स्टोमक सिम्टम ऑफ द हिपर्सन, क्रेविंग फॉर एसिड, जितना एसिड नींबू खट्टा गुपचुप, अल्कोहलिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग सब्सटेंसेस, हंगर एंड ग्नाइंग इन द स्टोमक, कैनॉट बियर एनीथिंग टाइट अबाउट द वेस्ट, कमर में वो टाइट उसको पसंद नहीं है, हिपरसल्फर भी, ठीक है। गिव द इंडिकेशन फॉर हिपर इन द लैरिंजियल अफेक्शंस, श्वास में क्या प्रॉब्लम होती है स्वर यंत्र में, द कप ऑफ हिपर इज नेवर ए ड्राई वन, कभी भी हिपरसल्फर का कप ड्राई नहीं होगा, ओके, इट हैज ए स्लाइट लूज एज, थोड़ा सा ढीला फांसी जाएगा, द एक्सपेक्टेशन इज स्लाइट एंड देयर इज ए लिटिल फीवर क्रूप वेयर द पेशेंट इज सेंसिटिव टू द लीस्ट ड्राफ्ट एयर, थोड़ा सा भी ठंडी हवा आने से उसकी खांसी भी आ जाएगी। इट कम्स इन ए हेयर आफ्टर एकोनाइट एंड स्पोंजिया, एकोनाइट एंड स्पोंजिया के बाद में हिपरसल्फर का आता है। How is the cough of hipper distinguished from the that the balloonula, conium, rheumax and rhesus? Hipper sulfur ka khansi ye charo medicine se kaise differ hai? From balloonula by absence of laryngeal soreness and fever. Isme laryngeal soreness and fever nahi rahega. From conium the irritation being higher in the throat. Gala mein bahut zyada irritate karta hua rahega. Rheumax mein by not being affected by respiration, श्वास लेने से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Legacies by not being excited by the pressure on the larynx, pressure of the larynx में कुछ नहीं पड़ता। What are the skin symptoms of the hipper? सबको जान गए suppurative stage of the ulceration. The skin is very sensitive to open air, inflamed skin, injuries, suppurates easily. Eruption and ulceration and sensitive and bleeds easily and they discharge a foul smelling excretion. उसका जो भी pus formation excretion होगा बहुत जोर गंध रहेगा, दुर्गंध रहेगा। Around the principal of ulceration there are little pimples. उसके चारों तरफ में छोटे छोटे दाने pimples type पे रहेंगे ulceration के चारों तरफ में। When should hipper be given in suppurative process? सपरेटिव प्रोसेस में हिपरसल्फर कब देना चाहिए? इन बॉयल्स और एब्सेस वेयर देयर इज अ मच थ्रॉबिंग एंड स्टिकिंग इन देम, एक बॉयल्स रहेगा जिसमें थ्रॉबिंग पेन स्टिकिंग पेन बहुत जोर रहेगा तब हिपरसल्फर को याद करना चाहिए, पेन और सेंसिटिवनेस मस्ट बी देयर। इफ गिवन इन अ लो विद फेवर सपरेशन एंड इफ गिवन इन हायर विल बी समटाइम्स अबाउट द सपरेटिव प्रोसेस, इट ऑलवेज कम्स इन आफ्टर बेलोरेला। इसको अगर लोअर पोटेंसी में 3x 6x में अगर यूज करते हो तो ये पस फॉर्मेशन करता है, और अगर हायर पोटेंसी में 200 अबव यूज करने से सपरेशन कभी कभी वो सुखा देता है, ठीक है। व्हाट टू रिमेंबर, ये आप लोग सबके बोलो, सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर, पेन, टच एक्सेट्रा, sensation of splinter, sensation of splinter like pain, tendency towards suppuration, which is rapid, easy sweating, with relief, soreness of the all discharge, discharges smell like
स्पॉइल्ड चीज, स्पॉइल्ड चीज, सड़ा हुआ अंडा की तरफ में इस टाइप का या चलता है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.